हेलो एवरीवन वेलकम टू ओली आई और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंपॉर्टेंट क्या सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन प्रलिम से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स को आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है और कई स्टूडेंट्स को ये डाउट्स रहते हैं कि आर्टिकल्स कैसे याद किए जाएँ कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और उसकी एक बेसिक समरी हमें पता होना चाहिए तो ये एक छोटा सा वीडियो होगा जहाँ हम कोशिश करेंगे इंडियन पॉलिटी में यू और उससे जुड़े हुए जितने एग्जाम्स हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आते हैं उनकी रेलेवेंस को देखते हुए उन्हें एक बार ब्रॉडली डिस्कस करें कि संविधान में कौन सा आर्टिकल किससे डील करता है कौन से ज़्यादा रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उन सब पर एक नज़र डालेंगे और कोशिश करेंगे उनको समझने की एक अलग तरीके के साथ ताकि वो हमें याद रह पाए फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितने हैं ओरिजिनली कितने थे थ्री आर्टिकल्स थे अभी वो बढ़ के फोर आर्टिकल्स हो चुके हैं तो 395 से लेकर 448 फोर्टी एट तक आने का जो सफर है संविधान का वो हमें क्या दिखाता है क्या दिखाता है वो दिखाता है हमें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है है वो असल में है. लेकिन इतना भी फ्लेक्सीबल नहीं है कि आप सब कुछ बदल दो वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो ट्रांसफॉर्मेटिव है लेकिन उसमें एक बैलेंस है वो बैलेंस बनाता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो फ्लेक्सिबल प्लस एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर जो इसको डिफाइन करता है अब जैसे ही मैं बोलूं फ्लेक्सिबिलिटी तो आप मुझे बोल सकते हैं कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है इसका उदाहरण है कि 395 से 448 तक हम गए लेकिन उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो उसको कंसोलिडेट करता है उसका उदाहरण आप कैसे दे सकते हैं उसके लिए आप जजमेंट्स बता सकते हैं चाहे एन को हटाने की बात हो चाहे आप बात करें जो पूरी हिस्ट्री आई है जो की शंकरी प्रसाद केस चंप चंबकर राजन से लेकर आप मिंदवा मिल्स केस तक को अगर डिस्कस करेंगे तो वहाँ क्या दिखता है हमें वहाँ एक लड़ाई दिखती है किस चीज़ की बेसिक स्ट्रक्चर की कैसे आप फंडामेंटल राइट्स और सोशल जस्टिस का बैलेंस बनाते हैं तो वो ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल जरूर है पर इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं कि आप बिल्कुल नया बना दें तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हो तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड है वो तो उसमें बाईस पार्ट हैं थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स ऑरिजिनल है फोर फोर्टी एट है और ट्वेल्व शेड्यूल्स हैं शेड्यूल्स की क्या रेलेवेंस है नाइन्थ शेड्यूल टेंथ शेड्यूल किस किस चीज से डील करता है इलेवेंथ ट्वेल्थ ये आपको पता है या नहीं पता है यह पता होना चाहिए अब हम डिस्कस करेंगे सब कुछ तो आइए पहले शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन सबसे पहले कॉम्पोनेंट के साथ जो बात करता है यूनियन एंड एड्स टेरिटरीज की अभी फिल्म के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं उससे पहले इस पर आते हैं और बात करते हैं यूनियन एंड टेरीटरी के ऊपर भारत की जो यूनियन है कोई भी बुक अगर आप देखो तो उसमें सबसे पहले क्या आता है एक प्रिफेस आएगा जो आपको बेसिक जो उसके उसके बारे में बताएगा वो प्रिफेस हमारा क्या है प्रीएम्बल प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं आर्टिकल के तहत तो मेंशन नहीं है लेकिन प्रीएम्बल हमें दिखाता है कि हमारा संविधान किस ओर जा रहा है उसका क्या रोल है क्या उसकी रेलेवेंस है उसके बाद बात आती है जब आपने बता लिया कि हमारे संविधान की रूपरेखा क्या होनी है वी द पीपल ऑफ ऑफ इंडिया सोल्वे रिजॉल्वड टू फॉर्म इंडिया इनटू क्या किसमें हम फॉर्म करेंगे जो इक्वालिटी फर्टर्निटी की हम बात करते हैं वो प्रियम्बल हमें डायरेक्शन देता है उसके बाद हम आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में तो क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं है कौन सा केस था जो प्रियम्बल को इसके बारे में बोलता है एक इंपॉर्टेंट केस जो था बेरोबारी यूनियन का केस इसमें क्या बात हुआ था बेरोबारी केस में बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट नहीं है इन्होंने बोला था आर्टिकल वन को रेफरेंस लेकर कि जो जो हमारा प्रियम्बल है कोर्ट ने ऐसा कहा था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उसके दिमाग को खोलने की चाबी थी लेकिन वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जा सकता इसीलिए वो एनफोर्सेबल नहीं है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में लेकिन फिर आप देखते हैं जब ये मामला केशवानंद भारती केस में जाता है केशवानंद भारती केस में प्रियम्बल को बोला गया था कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हालांकि इससे कोई पावर नहीं आती है बट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरप्रेट करने में संविधान को यानी कोर्ट जब संविधान को पढ़ती है समझती है उसके आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करती है उसमें प्रेमबल का एक बहुत बड़ा रोल है सो प्रेमबल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआती क्षेत्र का पार्ट है और 1995 में एक और केस आया था एल आई वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां अगेन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो हमारा है हमारा एसेंशियल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का लेकिन हम उसको इस तरह नहीं देखते कि वो एनफोर्सेबल है जैसे हम अगर आप कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन करें तो आप कोर्ट में जा सकते हैं प्रियम्बल के बारे में आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह बात होगी प्रियम्बल की अभी अगर आपसे पूछा जाए तो एज सेड इन केशवानंद भारती केस एट सेल आईसी केस की प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट एनफोर्स इट इज द इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट वो प्रीफेस की तरह काम करता है इस प्रीफेस के बाद आप घुसते हैं सबसे पहले इंडिया को समझने के लिए भारतीय संविधान में अब इंडिया को समझने के लिए पहले आपको इंडिया को डिफाइन करना होगा जो पार्ट वन जो है वहां एक से लेकर चार जो आर्टिकल है वो बात करता है भारत के यूनियन की और उसकी टेरिटरीज की आर्टिकल वन स्टेट्स वॉट्स वट इट स्टेट्स इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स एक विवाद पॉलिटिकल विवाद उभरा था जहां बात ये हो रही थी क्या भारत एक फेडरेशन है या नहीं भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो भारत का जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है यानी अलग अलग राज्य साथ है और देश बना लेकिन आग, आप यह नहीं कह सकते कि भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलग अलग देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया और मिलकर एक देश बने तो इसीलिए अमेरिका इज यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ Indestructible states, मतलब ऐसे राज्य जो कभी तोड़े नहीं जा सकते उन सब का एक मिला हुआ संगठन एक देश बनाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी वहां जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है ना ही आप स्टेट को तोड़ सकते हो ना ही आप यूनियन को तोड़ सकते हो लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जहां राज्य जो मिलकर बने देश बनाया है उसमें देश सर्वोपरि है स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट को तोड़ा जा सकता है यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल आप यूनियन को नहीं तोड़ सकते स्टेट को कैसे तोड़ोगे एक राज्य बदल सकते हो बाउंड्री बदल सकते हो राज्य का नाम बदल सकते हो राज्य को खत्म भी कर सकते हो तो ये भारत और अमेरिका का डिफरेंस है तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म कैसा है एसेमेट्रिकल है फेडरलिज्म मतलब होता है दोनों देशों में संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का निर्धारण किया गया बंटवारा किया गया लेकिन भारत का राज्य जो भारत का स्टेट है वो ज्यादा पावरफुल है और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आपने बोला कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट तो उसमें आपने बोला कि स्टेट का नए स्टेट कैसे आप बन सकते हैं पुराने स्टेट को आप बदल सकते हो तो आर्टिकल टू बात करता है कि नए स्टेट कैसे आप इस देश में जोड़ सकते हो और आर्टिकल थ्री बात करेगा किस तरह एरियाज बाउंड्रीज और नाम स्टेट्स का बदला जा सकता है तो जब आप बात करो जो पहला पार्ट है आर्टिकल का वन टू फोर इसमें वन यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है टू नए स्टेट अगर बनेंगे या बनाए जाएंगे तो उसको कैसे जोड़ा जाए उसके बारे में और जो स्टेट की बाउंड्री वगैरह चेंज करनी है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल थ्री ऑफ पार्ट वन विच इज वन टू तो फोर आर्टिकल फोर जो है वो किसके बारे में बात करेगा मुझे बताइए तीन तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल फोर में बात की गई आर्टिकल फोर ये कहता है कि कोई भी लॉ जो आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन के अंदर बनाया जाता है वो पहले और चौथे शेड्यूल को अमेंड करने के लिए सप्लीमेंट करने के लिए नजरों में लिया जाता है यानी अगर आपको बदलाव करने हैं फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में तो उसके लिए आप इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हो इसलिए रेलिवेंट हमारे लिए है कि आप उसको उस लाइन पर देखते हो पर जनरली जब आप बात करें तो चार आर्टिकल्स में पहला दूसरा तीसरा आप समझ गए चौथा रेफरेंस पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है फिर आता है पार्ट टू यानी आर्टिकल फाइव टू अलेवन दूसरा जो पार्ट है वो डील करता है किसके साथ शेड्यूल्स के सिटीजनशिप के एस्पेक्ट के साथ याद रखिए बाईस पार्ट है दूसरा पार्ट पांच से लेकर ग्यारह तक बात करेगा किसके बारे में सिटीजनशिप के बारे में फिर 12 से 35 सबसे इंपॉर्टेंट जो दो पार्ट है पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर पार्ट थ्री स्पेसिफिकली किसकी बात करेगा फंडामेंटल राइट्स की जिसमें आपके आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का पीरियड जाता है अब जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसमें गोल्डन ट्राइंगल फॉर्म होता है आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल नाइनटीन और आर्टिकल ट्वेंटी ये गोल्डन ट्राइंगल क्यों कहलाता है क्योंकि इक्वालिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन

अगर सोशल जस्टिस की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा उसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं वो क्या क्या है राइट टू इक्वाली राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोर्टेशन राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन फंडामेंटल राइट्स में गारंटी क्या होगी कि फंडामेंटल राइट्स वैसे रहेंगे जैसे वो हैं उसके लिए आपको आर्टिकल थर्टी याद करना चाहिए जहाँ बात होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज़ की यानी जो भी विवाद आपके रहे जो भी अगर आपको कोई संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं कोर्ट जाकर आप क्या कर सकते हैं मैंबियस कॉर्पस सर्टरी प्रोहिबिशन को वॉरंटो आप इनका इस्तेमाल करके अपने राइट्स को पुश कर सकते हैं ये किसमें सुविधा दी गई है ये दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आर्टिकल 32 और इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट फोर ए यानी 51 ए के अंतर्गत ये वो हिस्सा है जो इंडिया में ऐड किया गया था बाद में किसके तहत फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत में ये ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज किसके सजेशन पर स्वर्ण सिंह कमेटी के सजेशन के ऊपर अब कुछ चीज़ें याद करिए जब ऐड हुई थी तब भारत में इमरजेंसी हुआ करती थी लेकिन इमरजेंसी के बाद भी जो सरकारें आई उन्होंने इनको नहीं बदला दिख रहा था कि चलो ये देश के लिए बेहतर हो सकता है तो इसीलिए जब आप बात करते हैं सिटीजनशिप की फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज की पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर ए ये आपको याद होना जरूरी है कौन किसका पार्ट है हमने ये जो थोड़ा बहुत समझा आप ज्यादा देखते हैं कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं जैसे हमने रिट्स की बात की अंडर आर्टिकल थर्टी टू हमारे पास रिट है क्या क्या रिट्स है कॉर्पस कॉर्पस में कोई आपको अरेस्ट करता है इलीगली तो उसको कोर्ट के सामने जाके बताना पड़ता है भाई किस हिसाब से क्यों अरेस्ट किया और आपको फिजिकली कोर्ट अपने पास बुलाती है इसके बाद बताइए मुझे मैंडमेंस है सर्टिवरी है क्यों वारंटो है प्रोहिबिशन है तो इन तरह की चीजों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है क्या है इन सब का रोल क्यों ये इंपॉर्टेंट है अब ये हमें पता है कि जब चीजें हैं अब इसका रोल क्या है में में क्या कहा जाता है है में में सुप्रीम कोर्ट कमांड करती है किसी भी कोर्ट को किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कि जो आप कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं ठीक है प्रोहिबिशन में आप रोकते हैं को वारंटो में आप पूछते हैं तो इस तरह के जो आपके रेट्स याद होने चाहिए तो पहली चीज आती है क्वेश्चन पूछा गया था विद रेफरेंस टू रेट्स इशूड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय द कोर्ट्स इन इंडिया मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी अब देखिए मैंडमस और हेबी स्कॉर्पियस दो ऐसे रेट्स हैं जो केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ लगाए जा सकते हैं तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट था मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी ये स्टेटमेंट गलत है एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अटीशनर टू टू द कोर्ट टू अपन ऑफ को वॉरंटो अब ये चीज समझने के लिए कि को वॉरंटो को लेकर कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है या नहीं आपको को वॉरंटो को पढ़ना पड़ेगा तो जब आप आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं तब तो आपके पास क्लैरिटी है या नहीं ये समझना बहुत रेलिवेंट है को तो नाम से ही पता लगता है कि आप किस अधिकार के साथ उस सीट पर बैठे हैं तो ये चीज़ कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ कर सकता है तो अगर आपको को वॉरंटो नाम भी क्लियर है मैंडमस मतलब कमांड को वॉरटो मतलब क्या अधिकार ही बस कॉन्प मतलब यहाँ लाओ इस तरह की चीज़ें भी आप याद कर ले तो आपको चीज़ें याद रह जाएंगी तो आपको सीधा पता लगता है कि दूसरी स्टेटमेंट जो है वो

जो हमारे प्रमुख आर्टिकल है जो गोल्डन ट्राइंगल की बात मैंने करी उसको समझिए अब अगर आप ऐसा करते हैं अनकंट्रोल पावर आता है तो किस किस चीज का ये हनन कर सकता है मुझे बताइए इस केस में जो आर्टिकल्स है मान लो आर्टिकल 28 किस चीज की बात माफ कीजिए आर्टिकल 28 किस चीज की बात करेगा ये बात करेगा रिलीजियस फ्रीडम्स के बारे में आर्टिकल 32 टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज के बारे में आर्टिकल 48 तो रिलेटेड ही नहीं है आपके किसी फंडामेंटल राइट के बाद तो एक ही बचा आर्टिकल फोर्टीन तो याद रखिए जो हमारा गोल्डन ट्राइंगल है वो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है तो जब भी आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं जब आप इस पार्ट थ्री के बारे में पढ़ते हैं तो एक एक चीज़ को याद करिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं फोर्टीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन पर स्पेसिफिक काम आपको करना है जो इसके जुड़ी हुई जजमेंट्स हैं वो भी इसको पढ़ना है हम हो सकता है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दें बाद में ताकि आपको क्लैरिटी रहे हर जजमेंट जैसे रिलेटेड है उसके बारे में तो जब आप आर्टिकल फोटीन फिफ्टीन या फिर नाइन्टी या 21 वन पढ़ रहे हैं तो उसके रिलेटेड केसेस को भी याद रखिए जैसे प्रेमबल केस के मैंने आपको बताया तो आपको पता लग रहा है आर्टिकल 14 इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन भी देख लें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ किसको वायलेट करती है राइट टू इक्वालिटी को राइट टू फ्रीडम को या कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर को तो कहां मेंशन है भारत के संविधान में कि कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए डीपीएसपी में एस मेंशन है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मैंशनड है या नहीं है मुझे बताइए बिल्कुल मैंशनड है तो जहाँ जो चीज़ अक्सर शा लिखा हुआ है हमें उसको तो उसको रिवाइज करना ही करना है मतलब आर्टिकल्स को पढ़ लेना जरूरी है ताकि आपको एक एक आइडिया मिले कहाँ की बात हो रही है फिर उसका एप्लीकेशन और उसके बारे में जो जजमेंट्स हैं वो जानना भी जरूरी है बाकी की इंफॉर्मेशन आपके लिए अगर आप प्रलिप दो को टारगेट कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है जहाँ आपको रिविजन प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा जीएस की क्लासेस हैं करंट अफेयर्स हैं सी सेट की क्लासेस का ऑनलाइन आपको एक्सेस मिलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भाषाओं में दोनों माध्यम पे उपलब्ध है ये इंग्लिश इसका मीडियम है आठ जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फुल लेंथ आप टेस्ट भी लगा सकते हैं बहुत ही रेलिवेंट हो सकता है आपकी प्रिपरेशन को लेकर ये और आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए आप इसको ज्वाइन करें या अपनी प्रिपरेशन को इस मोड में ले आए क्योंकि अब रिवीजन और प्रैक्टिस ही आपकी ताले की चाबी है यूपीएससी के लिए इस कोर्स की डिटेल्स आपको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन लिंक में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहां से आप इसके बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं आइए अब बाकी आर्टिकल्स की बात करते हैं पा, पार्ट फाइव की बात करते हैं देखिए पार्ट फाइव से पहले हमने पार्ट फोर तक बात की पार्ट फोर ए में क्या है फिफ्टी वन ए अब पार्ट फाइव के अंदर क्या आएगा तो प्रेसिडेंट और पार्ट सिक्स में आएगा गवर्नर अब यहाँ आर्टिकल को याद करने का सिंपल तरीका है जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल है 52, 53, 54, उसमें से एक एक आर्टिकल जोड़ोगे और वन लगातार तो गवर्नर 152, 153, 154 इज रिलेटेड टू गवर्नर गवर्नर और और जब भी हम प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं किताबों के चैप्टर्स में भी तो हम इनको सामने सामने रख के पढ़ते हैं ताकि हमें पता लगे कि पावर्स में क्या डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास ये अधिकार होते हैं कि वो इस तरह से क्षमादान दे सके तो जो उनके फंक्शन और पावर्स हैं प्रेसिडेंट के तो पास खासतौर पर है वो किस टर्म के होते हैं क्या उसकी रेलिवेंस होती है वो हमें पता होना चाहिए फिर गवर्नर की जो पावर्स हैं गवर्नर की जो फंक्शन है वो पोस्ट है वो किस आर्टिकल से आती है तो प्रेसिडेंसी आई वन से तो गवर्नर का कहां से आएगा वन से पावर आते हैं प्रेसिडेंट के 153 से तो तो गवर्नर कहां से आएंगे 154 से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आता है 154 से तो गवर्नर से से आएंगे प्लस वन करना है है आगे वन लगाना 155 से. तो ये सारी चीजें आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में एक बेसिक आउटलुक देते हैं कि कौन से आर्टिकल इनसे डील करते हैं पार्ट फाइव में प्रेजिडेंट है पार्ट सिक्स में गवर्नर है हमने पार्ट को बदलने के लिए वन ऐड किया और प्लस हर आर्टिकल में एक ऐड करके प्लस वन कर दिया आगे यानी एक स्व संख्या जोड़ दी गई तो आपको जो मिलेगा आर्टिकल वो गवर्नर से डील करेगा इसके अलावा प्रेसिडेंट के केस में स्पेसिफिकली जैसे हमें 54 तक जाना वन सेवेंटी टू वन ट्वेंटी बहुत रेलिवेंट है 61 बात करेगा इम्पीचमेंट का कैसे इम्पीच होते हैं प्रेजिडेंट सेवेंटी टू एम टी की वन ट्वेंटी थ्री ऑल अबाउट ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो आप ऑर्डिनेंस को ला सकते हो एक प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के साथ सरकार चाहे तो राष्ट्रपति के पास जाकर एक कानून ला सकती है जो ऑर्डिनेंस कहलाता है ऑर्डिनेंस लागू होने के लिए मैक्सिमम जो समय मिलता है वो होता है छ वीक के अंतर्गत आपको उसको आ, सुप्रीम कोर्ट से पास कराना होता है अदरवाइज वो दिक्कत देने लगता है आपको ऑर्डिनेंस की पावर कही जाती है कि ऐसी पावर है कभी कभी उसका इस्तेमाल सरकार लोगों के जो पार्लियामेंट के चुने हुए लोग हैं पार्लियामेंट जो चुने हुए नेता हमारे गए हैं उनके पावर को कम करने के लिए करती है जब पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा होता है वो नया लॉ ले आते हैं लेकिन उस ऑर्डिनेंस को पास करना होता है सिक्स वीक्स का टाइम होता है मैक्सिमम देखिए दो पार्लियामेंट्स के बीच में छह महीने का समय होता है तो कहा जाता है कि छह महीने तक वो लॉ लागू रह सकता है तो किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस आता है वन ट्वेंटी थ्री के अंतर्गत किसके तहत एमस्टी मिलती है सेवेंटी टू इम्पीचमेंट किस गवर्ड है आर्टिकल सिक्सटी वन और सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस वन फोर्टी थ्री के अंतर्गत है फिर बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट डिसाइड होती है आर्टिकल सिक्सटी थ्री से और वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑपरेट करते हैं किस आर्टिकल के तहत सिक्सटी फोर के अंतर्गत तो कौन सा पार्ट है फाइव सिक्स हम समझ गए कौन से आर्टिकल से डील करते हैं हम समझ गए अब एक चीज जो डिफरेंस हमें समझना है कि जब हम पार्ट्स की बात करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है प्रेसिडेंट गवर्नर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर में खेल ऐसा है कि आपको माइनस इलेवन करना है या फिर प्लस इलेवन कर दो आप सेवेंटी फोर कैबिनेट प्लस uh, -11 करो वन आपका कितना आ जाएगा सिक्सटी थ्री वन सिक्सटी थ्री माइनस 6, 5. ये आपके बन गए चीफ मिनिस्टर के जो आर्टिकल है वो चीफ मिनिस्टर जुड़े हुए जो आर्टिकल है वो प्राइम मिनिस्टर का जो फॉर्मेशन होता है कैबिनेट का गठन और जो अटर्नी जनरल है वो आर्टिकल सेवेंटी सिक्स है तो आपके एडवोकेट जनरल आर्टिकल वन सिक्सटी फाइव के अंतर्गत आते हैं अगर हम बात करें कि कैसे पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर होता है स्टेट लेजिस्लेचर दोनों तो का आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो सेवेंटी नाइन इज पार्लियमेंट इज राज्यसभा एट्टी वन इज लोकसभा उसमें आप इलेवन माइनस करो तो लेजिस्लेचर असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल फाइनेंस बिल ये सारे आते हैं

लोकसभा में आ, आ, लाया जा सकता है और केवल लोकसभा को एक तरह से अधिकार होता है कि इसमें बदलाव करने का जो राज्यसभा है वो क्या तो उसको पास करती है या केवल वो एक कुछ सजेशन दे सकती है उसको ले राज्यसभा का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है क्योंकि ये मनी की बात होती है क्योंकि वहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हमारे डायरेक्टली जाते हैं लोकसभा में तो वो डिसाइड करते हैं फिर जॉइंट सेशन हो सकता है आर्टिकल हंड्रेड के अंतर्गत बजट एक में आता है वोटर अकाउंट एक के हिसाब से होता है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रटने बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते हैं डिटेल में आपको इनके ऊपर लॉज और जब बजट आता है तो बजट को रिवाइज भी इस तरह से करना है लेकिन समझना ज़रूरी है इन आर्टिकल्स को फिर बात आती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और सेंटर स्टेट रिलेशन की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधा सीधा खेल है वन इज फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इज फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट हाई की जो स्वेट स्टेट्स में है फिर राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वन राइट्स फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट टू सिक्स टू वन सिक्स अपॉइटमेंट ऑफ सी ए जी वन फोर एट के अंतर्गत आती है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जब हम बात करें आर्टिकल 124 का तो फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स किस तरह बदलाव आते हैं ये आपको याद रखने आर्टिकल वाइज इंपॉर्टेंट है तो आर्टिकल 124 क्या डिफाइन करेगा भारतीय संविधान का कैसे कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीजीआई के, के कंसल्टेशन में कितने जजेस होंगे सात या अधिक जजेस होंगे इस बारे में बात आप प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके वो आगे बढ़ाते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जो जजे हैं उनको अपॉइंट करता है आर्टिकल अंडर वन टू फोर ए के अंदर प्रेजिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं तो आर्टिकल वन थर्टी वन राइट्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की उसकी बात करते हैं और हमें पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सी वो किसके अंदर आता है आर्टिकल वन के अंदर जो बात करता है कि कैसे सी जो हमारे सी ए हैं वो उनकी फ्रीडम कैसे इंश्योर की जाती है क्या उसका रोल है किस तरह है? जो सी ए हैं जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट होंगे किसके द्वारा प्रेसिडेंट के द्वारा और क्या उनकी पावर्स होगी क्या रिमूवल का मैनर होगा कहा जाता है एक जज को जिस तरह रिमूव करते हैं उसी हिसाब से भी इनको रिमूव किया जा सकता है ये हो गया सुप्रीम कोर्ट सी हाई कोर्ट की बात अब बात आती है सेंटर स्टेट रिलेशन की इसमें टू बात करता है स्टेट लिस्ट पे पावर्स के बारे में टू बात करता है इमरजेंसी के बारे में टू बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटर रिवर डिस्प्यूट होते हैं उसके बारे में 263 सिक्सटी थ्री इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में जीएसटी के मामले में ये मुद्दा बार बार आया था कि इंटर स्टेट काउंसिल कितना ऑपरेशनल है किस तरह काम करता है जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है लगातार बढ़ते हैं उसके बारे में 262 है

चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव किस प्रकार से होगा इसके बारे में बार बार रूलिंग्स आती हैं उन रूलिंग्स में क्या प्रोविडेंट क्या डिफेंसिस रहे गवर्नमेंट के बीच में क्या गवर्नमेंट में नया बिल लाए उसके बारे में बात करना भी जरूरी है प्लस आर्टिकल थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री के अंतर्गत हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल उसको बढ़ावा देने के बारे में बातें की गई हैं इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी सिक्स और थ्री सिक्सटी प्रेजिडेंट रूल फाइनेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं ये क्या दिखाते हैं ये आर्टिकल ये दिखाते हैं कि भारत का जो फेडरलिज्म है वो एक सेंटर को ज्यादा पावर करता प्रो सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, है जहां सेंटर के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू स्टेट्स और वो जो राइट्स है जो दी गई है प्रेजेंट रूल अप्लाई करने की फाइनेंशियल इमरजेंसी केवल सेंटर के पास है रेजिडरी पावर्स जो जो है जो रेजिडरी लॉ बनाए जा सकते हैं अलग जो बच रहे हैं लिस्ट के बाहर उन पे कौन काम कर सकते हैं उन पर पार्लियामेंट ही काम कर सकते हैं मतलब पार्लियामेंट के पास अधिकाधिक पावर दी गई है और संविधान कैसे अमेंड होगा ये मैंशन किया गया है। आर्टिकल थ्री के अंतर्गत और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस तरीके से होता है एक तो सिंपल मेजोरिटी के साथ होता है एक आपको दोनों हाउस में पास कराना पड़ता है विद स्पेशल मेजोरिटी देन जो फेडरल फीचर्स वाले लॉज होते हैं उनको आपको स्टेट से रेटिफाई भी करवाना पड़ता है स्पेशल मेजारिटी के अलावा तो वो जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए तो 324, 343, 368 और इमरजेंसी प्रोविजन स्पेसिफिकली किस लिए लागू होते हैं हमारे जो फेडरलिज्म को जो चीज़ें थोड़ा सा अलग बनाती हैं सेंटर स्पेसिफिक बनाती हैं ये इसलिए भी बनाया गया कि भारत जब नया नया आज़ाद हुआ था तो भारत में ज़रूरत थी कि यूनिटी रहे और अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी हो जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दें अपने अलग देश बनाना शुरू कर दें मांगने की शुरू मांगने की शुरुआत कर दें या किसी लेवल पर पॉलिटिकल टर्मोइल स्टार्ट हो जाए उसे कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया था ये चीज़ें हैं जिसलिए इमरजेंसी को प्रोविजन को लाया गया था और इसके अलावा भी कई ऐसे लॉज हैं जैसे आर्टिकल थर्टी टू एज हर्ट एंड सोल ऑफ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर्ट एंड सोल बाय बिकॉज इसी के थ्रू ये गारंटी होती है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होंगी ये ना हो तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होने की कोई गारंटी नहीं है आर्टिकल 40 बात करता है पंचायती राज सिस्टम की जो हमें दिखाता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जहां हुआ है उसका एग्जाम्पल यहां ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात होती है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट की और आर्टिकल सेवनटीन बात करता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी की तो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी क्या राइट अगेंस्ट एक्सपोर्टेशन है या राइट टू इक्वेलिटी है किस तरह का राइट right है किस तरह के राइट right के अंदर इसको फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है केवल इतना ही नहीं अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो भारत में कितने शेड्यूल्स हैं उन शेड्यूल्स का क्या रोल है ज़रा बताइए मुझे एक बार ज़रा उसके बारे में नज़र दौड़ा लेते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल है मेरे साथ साथ आप याद करिए फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है पार्ट वन के अंदर था ये जिसके अंदर आर्टिकल वन आर्टिकल फोर आते हैं जो बात करता है किस चीज़ की स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की जो सेकेंड शेड्यूल होगा ये बात करेगा किसकी कितने प्रिवेलेज हैं किस तरह के जो प्रिवेलेज हैं वो दिए जाते हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को गवर्नर को तो यहाँ बात हो रही है प्रोविजन जो भी अलाउंसेज हैं या प्रिवेलेज हैं उनके बारे में किसको भाई प्रेसिडेंट को ठीक है गवर्नर को स्पीकर ऑफ लोकसभा जो डिप्टी स्पीकर हैं जो हमारे आ, अलग अलग और जजेस होते हैं उनके बारे में या जो हमारे सी ए हैं उनके बारे में तो जजेस सी ए जी कोंस्टिट्यूशन बॉडीज के अंदर गत आते हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं यानी आर्टिकल 75, 65, 59, 97, 125, 148 फाइव ये सब कवर होता है शेड्यूल टू के अंदर का एक बार फिर से यहाँ मैं शेड्यूल का वन स्टेट्स एंड यूनियन टेरीटरीज टू प्रवेजेज और एमेंट्स के बारे में कि कितना क्या अधिकार कितने किसको जो सेवाएँ दी जाती हैं थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात करेगा थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ्स के बारे में कितनी ओथ्स ली गई कौन कैसे ओथ लेता है क्या फर्मेशन है चाहे मिनिस्टर्स की बात हो चाहे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जजेस हो सी ए जी हों स्टेट लेजिस्चर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं तो यहाँ देखिए स्टेट लेजिलेशचर भी थर्ड शेड्यूल में आते हैं फोर्थ शेड्यूल बात करता है जो राज्यसभा की सीट्स हैं उसके बारे में और ये आर्टिकल एटी के अंतर्गत आता है फिफ्थ शेड्यूल बात किसकी करेगा आर्टिकल वन फोर टू फोर फोर की बात मैं कर रहा हूँ ये बात करेगा जो शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स हैं इंडिया की उसके बारे में उसके एरियाज़ एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिक्स शेड्यूल फिफ्थ और सिक्स ऐसे शेड्यूल हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं फिफ्थ किसके बारे में बात करता है फिफ्थ बात करता है आर्टिकल टू बात किसकी करेगा जो प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के किसके बारे में शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में सिक्सथ शेड्यूल स्पेसिफिकली टू फोर्टी फोर टू सेवेंटी फाइव यहाँ पर ऐड हो जाता है टू फोर्टी फोर प्लस टू सेवेंटी फाइव इसके अंदरगत बात की जाती है जो प्रोविजन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द रीजन ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम ए टी एम मैं इसको कहता हूँ ए टी डबल एम ये आपके इन एरियाज के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके बारे में डील करता है सिक्स शेड्यूल तो फिफ्थ इज़ अबाउट शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया अंडर आर्टिकल फोर फिफ्थ इज एटीएम असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम इसमें इनके ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात होती है फिर आता है सेवंथ शेड्यूल सेवेंथ शेड्यूल बात किसके बारे में करता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट तीन लिस्ट इसमें दी, दी गई है वो आर्टिकल टू फोर सिक्स के अंतर्गत टू फोर सिक्स इज योर सेवंथ शेड्यूल अब बात करती है एथ शेड्यूल की एट्थ शेड्यूल किस किस चीज के बारे में बात करेंगे लैंग्वेजेस के बारे में जो आर्टिकल थ्री फोर फोर और आर्टिकल थ्री फाइव वन की बात करता है जहां पर आपके बाईस इंडियन लैंग्वेजेस को भारतीय संविधान में दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का अब सवाल आपसे ये है क्या इसमें इंग्लिश है या नहीं है ये आपके लिए होमवर्क है मुझे बताइए कि जो लैंग्वेजेस बाईस हैं उनमें इंग्लिश को रिकोगनाइज किया गया है या नहीं किया गया है देन वी गो टू नाइन्थ शेड्यूल नाइन्थ शेड्यूल काफी प्रचलित था आर्टिकल थर्टी वन बी के अंतर्गत आया गया था कि जमींदारी सिस्टम के टाइम पे जो लैंड रिफॉर्म करने थे वो ऐसे रिफॉर्म्स थे जो अगर आप लाते हो तो कहा जा रहा था कि उसको फंडामेंटल राइट्स के मामले में लाकर इसको कोर्ट में अटकाया जा सकता था तो कहा यह जाता था जो भी लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लॉज लाए गए हैं ये इस शेड्यूल में रखे गए और कहा जाता था इनिशियली जो भी कानून नाइन्थ शेड्यूल में डाला जाएगा उसके ऊपर जुडिशरी का कोई पावर नहीं होगी लेकिन ये खत्म हो चुका है अब ये नाइन्थ शेड्यूल भी इसके अंतर्गत आता है और फिर आया था टेंथ शेड्यूल जिसपे सब ने बहुत समर्थन किया था पार्टीज ने एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 102 आर्टिकल और 91 आर्टिकल जिसके तहत कोई भी जो स्टेट लेजिस्लेचर है कोई भी अगर पिक होकर आता है पार्लियामेंट में वो अगर अपनी पार्टी बदल लेते हैं तो फिर वो उनको कहा जाता है कि आप डिफेक्शन नहीं कर सकते जिस पार्टी में है आप उसके खिलाफ जाएंगे तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी ताकि जो आया राम गया राम पॉलिटिक्स थी लगातार इलेक्शन जीतने के बाद पैसे लेके जो सीटें बदल लेते थे अपनी पार्टियां बदल लेते थे उसको रोकने के लिए नाइन्थ शेड्यूल एंड किया गया था फिर आता है टेंथ शेड्यूल जो सॉरी, शेड्यूल तो हमारे इसी चीज के लिए, था, जो लोग बदलते थे उसके लिए और, और जो बहुत शेड्यूलिवेंट है आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जी यानी इलेवंथ शेड्यूल बात करता है उन मैटर्स के बारे में जहां पंचायत को पावर सौंपी गई थी ट्वेल्थ शेड्यूल उनकी बात करता है जिनमें कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ को पावर्स सौंपी गई थी उसके बारे में तो ये आपके बारह शेड्यूल है मैं रिमेंबर फिर आपको कराना चाहता हूँ कि आपके बारह शेड्यूल में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यहाँ तो आप म्यूनिसपैलिटी की बात कर लो यहाँ पंचायत की बात आप कर रहे हो टेंथ शेड्यूल किसके बारे में डिफेक्शन के बारे में है एंटी डिफेक्शन ठीक नाइन्थ शेड्यूल किसके बारे में है जमींदारी मान लेते हैं ठीक है एथ शेड्यूल किसके बारे में था लैंग्वज़ के बारे में था सेवन्थ शेड्यूल किसके बारे में था सेवन्थ मुझे बताइए किसके बारे में सेवन शेड्यूल था मैंने डिटेल में आपको बताया सेवन शेड्यूल के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं यानी लिस्ट की बात करते हैं फेडरलिज्म से रिलेटेड था ये टू फोर सिक्स फिफ्थ जो हमारा सिक्स शेड्यूल है वो बात करता है किसके बारे में वो बात करता है ए के बारे में असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम के बारे में इनके जो शेड्यूल एरियाज हैं उसके बारे में टू फोर फोर एंड टू सेवन फाइव फिफ्थ शेड्यूल बात करेगा ट्राइबल एरियाज के बारे में शेड्यूल एरियाज़ के बारे में आर्टिकल टू फोर फोर फोर्थ शेड्यूल जो है वो बात करेगा किसके बारे में राज्यसभा के बारे में सीट एलोकेशन के बारे में थर्ड शेड्यूल बात करेगा किसके बारे में थर्ड शेड्यूल किसके बारे में बात करता है बताइए मुझे आप ओर्थ के बारे में एफॉर्मेशन के बारे में थर्ड शेड्यूल बात करता है ओर्थ और एफॉर्मेशन के बारे में और सेकेंड बात करेगा किस चीज़ के बारे में जो उनको विशेष अधिकार या अलाउेंसेज दिए गए हैं प्रवलेजेस दिए गए हैं उसके बारे में एंड देन यू हैव शेड्यूल वन जो बात करता है स्टेट और टेरिटरीज के बारे में तो ये हमें पता है वन एंड फोर ये हमें पता है 59, 97, 65, 164, 186 सिक्स जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडीज़ हैं उनके बारे में थर्ड शेड्यूल बात करेगा आर्टिकल 75, 84 इस तरह के जो भी जिनको ओस दिया जा रहा है उसके बारे में फोर आर्टिकल फोर जो शेड्यूल फोर है वो आर्टिकल फोर आर्टिकल 80 के बारे में बात करता है जब तो हम फिफ्थ की बात करें टू फोर फोर सिक्स की बात करें टू फोर फोर वन टू सेवन फाइव सेवंथ जो है हमारा है टू फोर सिक्स के बारे में और एट्थ जो है हमारा थ्री फोर फोर लैंग्वेज वाला जो है एंड थ्री फाइव वन नाइन्थ जो है हमारा वो है थर्टी वन बी टेंथ जो है हमारा वो है हंड्रेड एंड टू और नाइन्टी वन और इलेवंथ जो है टू फोर थ्री जी जो म्यूनिसपैलिटी मिन्सिपल, जो वाला है वो है टू फोर थ्री डब्ल्यू तो ये हमारे हैं शेड्यूल जो हमारे आर्टिकल वो हमने डिस्कस किए शेड्यूल हमने डिस्कस किए आर्टिकल जो आपको याद करने हैं वो हमने डिस्कस किए लीगल जो जजमेंट्स उसके बारे में हम कोशिश करेंगे एक वीडियो सेपरेटली बना दे आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन रिमेम्बरिंग आर्टिकल्स और इन टू रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑन दिस टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंड कीप वॉचिंग ओनली आई